फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जारी की जा चुकी है और इसे सभी स्कूल और कॉलेज में लागू करने की तैयारी चल रही है और इसी कारण से हर तरह के प्रतियोगी परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ी हुई प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने मेगा MCQ सीरीज की शुरुआत की है और इसके तहत आपको लगभग 300 प्रश्न और उसके आंसर देखने को मिलेंगे और ये लगभग पूरा एग्जॉस्टिव है। अगर उसको आप जान लेंगे तो NEP पर आपका पूरा कमांड हो जाएगा और किसी भी तरह के प्रश्न का आंसर देने में आप सक्षम होंगे। तो यह इस सीरीज का पहला पार्ट है और इसमें मैं आपको 26 बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके उत्तर बताने जा रहा हूं। और ये प्रश्न जो हैं ये है प्रिंसिपल्स एंड विजन्स ऑफ NEP 2020 यानी कि 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके सिद्धांत क्या हैं, उसके विजन क्या हैं, इससे संबंधित हैं। और दूसरा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और इसमें जो प्रश्न देखने को मिलेंगे ये बाल्यावस्था पूर्व जो शिक्षा है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि ये प्रश्न कौन कौन से हैं और इसके उत्तर क्या हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 21st सेंचुरी यानी कि 21वीं शताब्दी की जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है वो कौन सा है। आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें जो सही आंसर है ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दूसरा क्वेश्चन है कि हु द विजन ऑफ NEP 2020 इज यानी कि 2020 की जो पॉलिसी है तो इसका विजन क्या है। तो इसका विजन आप जान लीजिए कि इसका विजन है इंडिया सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि इसका विजन है इंडिया सेंटर्ड एजुकेशन। थर्ड क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और जिसने ड्राफ्ट किया है उसके चेयरमैन का नाम क्या है। तो ये है K. Kasturi Rangan। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम हैज़ बीन प्रपोज्ड टू इंश्योर इंटीग्रिटी ट्रांसपेरेंसी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि जो एजुकेशनल सिस्टम है तो उसके जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो रेगुलेट करेगी तो उसमें यानी कि इंटीग्रिटी हो, उसमें पारदर्शिता हो और उसमें संसाधन जो हैं सही तरीके से यूज हो, तो इसके लिए किस तरह के रेगुलेटरी सिस्टम को प्रपोज किया गया है। तो ये रेगुलेटरी सिस्टम है लाइट बट टाइट, यानी कि हल्का होना चाहिए लेकिन पकड़ मजबूत होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, द हाइएस्ट प्रायोरिटी टू अचीविंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाई ऑल स्टूडेंट्स बाई ग्रेड। अब इस क्वेश्चन में है कि किस ग्रेड के बच्चों तक के लिए ये पहला प्रायोरिटी होगा कि उसको फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी उसके पास हो, यानी कि उसका ज्ञान हो उसके पास में। तो ये जो तय किया गया है ग्रेड 3 के बच्चों तक के लिए ये हाइएस्ट प्रायोरिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बीन प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें जो मौलिक यानी कि कह सकते हैं कि मौलिक जो इसमें सुधार करने की बात हो रही है तो इसके केंद्र में किसको रखा गया है। तो आप जान लीजिए कि इसके केंद्र में टीचर को रखा गया है, शिक्षक को रखा गया है, यानी कि शिक्षक अच्छा होगा तभी एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना संभव है। क्वेश्चन नंबर 7, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 विल आल्सो बी एक्सटेंडेड टू एश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री एंड कंपलसरी क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल डैश ईयर ओल्ड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है पहले ही 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए है, लेकिन अब जो है ये राइट टू एजुकेशन एक्ट ये 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो भी इसके तहत कवर्ड होंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 है, करंटली चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3-6 आर नॉट कवर्ड इन द 10+2 स्ट्रक्चर एज क्लास 1 बिगिंस एट एज, कि अभी जो करंट में जो 10+2 का जो स्ट्रक्चर है उसमें खास करके 3 से 6 साल के बच्चे जो हैं वो इसमें कवर्ड नहीं है, क्योंकि अभी जो क्लास 1 की शुरुआत होती है वो 6 वर्ष के एज में क्लास 1 की शुरुआत होती है, इसीलिए 3 से 6 वर्ष के बच्चे इसमें कवर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, द की ओवरऑल थ्रस्ट ऑफ करिकुलम एंड पैडागॉजी रिफॉर्म्स अक्रॉस ऑल स्टेज विल बी टू मूव द एजुकेशन सिस्टम टुवार्ड्स रियल अंडरस्टैंडिंग एंड टुवार्ड्स लर्निंग डैश एंड अवे फ्रॉम द कल्चर ऑफ रोट लर्निंग एज इज लार्जली प्रेजेंट टूडे। तो अभी जो मेन जो अभी पाठ्यक्रम होगा या फिर ये जो पाठ्यक्रम है और इसमें जो सुधार होने की बात हो रही है, तो इसका मेन पर्पस है कि बच्चे रोट लर्निंग ना करें बल्कि इस एजुकेशन सिस्टम को ले जाना है जहां बच्चे करियली में उसके समझ हो कंटेंट का, जो भी पढ़ता है वो समझ के पढ़े और समझ के सीखे भी, रोट लर्निंग ना हो। तो इसे दूर करने के लिए पहले ऐसा था कि पहले की पॉलिसी में था हाउ टू लर्न, मन कैसे सीखा जाए, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब इसे बदल के कर दिया गया है व्हाट टू लर्न, यानी कि क्या सीखा जाए, क्या सीखना है। क्वेश्चन नंबर 10, द पॉलिसी एम्स टू अचीव 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर ऑल स्कूल एजुकेशन बाय डैश थ्रू वेरियस मेजर्स, यानी कि स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है, हायर एजुकेशन की नहीं, कि स्कूल एजुकेशन में हर लेवल पर 100% जो है वहाँ पे नामांकन हो, उसका अनुपात 100% हो। ये कब तक के लिए किया गया है, तो ये किया गया है खास करके 2030 तक के लिए, यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 100% होना चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन इससे संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू NAP 2020 व्हाट परसेंटेज ऑफ अ चाइल्ड्स क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स प्रायर टू द एज ऑफ 6, यानी कि NAP के हिसाब से जो बच्चे का जो संपूर्ण जो ब्रेन का विकास होता है वो 6 वर्ष से पहले होता है, तो कितना परसेंट होता है, तो ये 85% लगभग 6 वर्ष से पहले डेवलप हो चुका होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच एज ग्रुप इज नॉट रिकग्नाइज्ड इन द करंट पैडागोजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन, अभी जो करंट में जो स्कूल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन से एज ग्रुप जो है वो रिकग्नाइज नहीं है, तो आपको पता है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो हैं वो 10+2 के स्ट्रक्चर में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 13, द पॉलिसी एम्स टू इंश्योर क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन 3-6 ईयर्स बाय, अब इसमें है कि जो पॉलिसी का एम है कि जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन मन मीन्स बाल्यावस्था पूर्व जो शिक्षा है वो उसके लिए कौन सा डेट तय किया गया है तब तक उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, तो ये डेट तय किया गया है 2025 का, यानी 2025 तक 3 से 6 वर्ष के बच्चे को जो खास करके हैं क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर एंड एजुकेशन मस्ट बी अचीव्ड एज सून एज पॉसिबल नो लेटर देन 2030, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट की जो बात है तो कहता है कि इसके लिए प्रोविजन करना है और ये सारा काम 2030 से पहले कर लेना है, क्या ये सही है या गलत है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर या एजुकेशन की बात है तो ये 2030 से पहले सारे बच्चों को मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, अ नेशनल करिकुलर एंड पैडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे NCPFECC फॉर चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 8 विल बी डेवलप्ड इन 2 पार्ट्स, नेमली अ सब फ्रेमवर्क फॉर 0-3 ईयर ओल्ड एंड अ सब फ्रेमवर्क फॉर 3-8 ईयर ओल्ड बाय। अब दोस्तों इसमें है कि जो न्यू जो नेशनल करिकुलर एंड पैडागोजिकल फ्रेमवर्क
फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। इसे दो पार्ट में डेवलप किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट होगा 0 से 3 ईयर्स के बच्चे के लिए और सेकेंड पार्ट होगा 3 से 8 वर्ष के बच्चे के लिए। तो ये जो NCPF ECCE है, ये डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो ये होगी NCERT की, NCERT की जिम्मेदारी होगी। क्वेश्चन नंबर 16, ECCE शैल बी डिलीवर्ड थ्रू अ सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड एंड स्ट्रेंथेंड सिस्टम ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है वो किस इंस्टीट्यूशन संस्था के माध्यम से दिया जाएगा या फिर उस संस्था को मजबूत बनाया जाएगा और उसके थ्रू ये एजुकेशन दिया जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि स्टैंड अलोन आंगनबाड़ी, यानी कि कहीं पे अकेले कोई आंगनबाड़ी है उसके थ्रू, आंगनबाड़ी को लोकेटेड विद प्राइमरी स्कूल्स, यानी प्राइमरी स्कूल से अटैच्ड है कोई आंगनबाड़ी तो उसके थ्रू, प्री प्राइमरी स्कूल सेक्शंस कवरिंग एट लीस्ट एज 5 to 6 ईयर्स को लोकेटेड विद एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल्स, यानी कि जो प्री प्राइमरी सेक्शन होता है वो किसी प्राइमरी स्कूल के साथ जुड़ा है और वहाँ 5 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए पढ़ने की व्यवस्था है, या फिर स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स, यानी जो अकेले कोई प्री स्कूल है तो उसके थ्रू दी जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है इसके थ्रू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू ECCE व्हाट सेंटर्स विल बी स्ट्रेंथेंड। अब इसके लिए है कि ECCE डिलीवर करने के लिए किस इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है आंगनबाड़ी सेंटर को। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 18, आंगनबाड़ी शैल बी फुली इंटीग्रेटेड इनटू स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर, यानी आंगनबाड़ी को अब आगे जो स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर का जो कंसेप्ट आने वाला है तो कह रहा है क्या आंगनबाड़ी को उसी में इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर के साथ ही आंगनबाड़ी होगा। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल ये सही है कि अब जो आंगनबाड़ी होगा वो स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर में ही इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रायर टू व्हाट एज डैश एवरी चाइल्ड विल मूव टू प्रिपरेटरी क्लास और बाल वाटिका डैट इज बिफोर क्लास 1 विच हैज एन ECCE क्वालिफाइड टीचर, यानी कहता है किस एज से पहले जो बच्चे हैं वो प्रिपरेटरी क्लास या फिर बाल वाटिका में एडमिट किए जाएंगे और जहां पर ECCE क्वालिफाइड टीचर भी होगा। तो इसके लिए एज जो रखा गया है ये 5 ईयर्स है, 5 वर्ष के बच्चे जो हैं उसमें मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, द मिड डे मील प्रोग्राम शैल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू द डैश क्लासेज इन प्राइमरी स्कूल्स। दोस्तों अब इसमें क्वेश्चन है कि मिड डे प्रोग्राम जो है सो प्राइमरी स्कूल में किस बच्चे को भी दिया जाएगा, यानी पहले तो है ही और एडिशनल किस बच्चे को दिया जाएगा? तो इसमें जो कवर्ड है जो खास करके प्रिपरेटरी क्लास होगा उसके बच्चों को भी मिड डे मील दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आंगनबाड़ी वर्कर्स टीचर्स विद क्वालिफिकेशन ऑफ 10+2 एंड अबव शैल बी गिवन डैश सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन ECCE, यानी जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं या फिर टीचर हैं और जिनकी क्वालिफिकेशन है 10+2 यानी 12वीं पास है तो उसको कितने समय का सर्टिफिकेट प्रोग्राम दिया जाएगा ECCE में? तो दोस्तों उसके लिए 6 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम का प्रोविजन किया गया है। इसके क्वेश्चन नंबर 22, आंगनबाड़ी वर्कर्स टीचर्स विद क्वालिफिकेशन बिलो 10+2 शैल बी गिवन डैश प्रोग्राम, यानी कि जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं या फिर टीचर हैं अगर उसका क्वालिफिकेशन 12वीं से कम है तो उसको कितने दिनों का प्रोग्राम ECCE में दिया जाएगा? तो उसे 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द ECCE ट्रेनिंग ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर टीचर्स विल बी मेंटर्ड बाय द डैश ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट विच शैल होल्ड एटलीस्ट 1 मंथली कॉन्टैक्ट क्लास फॉर कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, यानी जो ECCE ट्रेनिंग जो है आंगनबाड़ी वर्कर को जो दिया जाएगा या टीचर्स को दिया जाएगा तो ये इसका जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इसका मेंटरिंग करेगी, लेकिन इसमें कौन सा सेंटर है जो इसे मोनिटर करेगी? तो इसका है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, और ये क्लस्टर रिसोर्स सेंटर जो है
कम से कम एक जो है खास करके एटलीस्ट वन मंथली कॉन्टैक्ट क्लास फॉर कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, और हर महीने कॉन्टैक्ट क्लास भी ऑर्गेनाइज करेगी असेसमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, ECC विल ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इन डैश इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज, यानी कि जहाँ जनजाति डोमिनेटेड एरिया है तो वहाँ ECCE को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो किस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा? तो दोस्तों ये आसरामालय जो ट्राइबल एरिया में आसरामालय चल रहा है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ECCE करिकुलम एंड पैडागोजी विल लाई विद, यानी कि जो ECCE से का जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है या फिर पैडागोजी है, उसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो ये जिम्मेदारी होगी MHRD की, और जिसे अब नया नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। करंट में जो नाम था उस समय में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब इसका नाम हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसकी जिम्मेदारी होगी। क्वेश्चन नंबर 26, द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम विल बी कैरीड आउट जॉइंटली बाई, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन है उसके करिकुलम जो बनाया जाएगा या उसके प्लानिंग या इम्प्लीमेंटेशन उसको लागू किया जाएगा, तो इसमें कौन कौन से शामिल होंगे? तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ HRD शामिल होंगे, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शामिल होगा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, ट्राइबल अफेयर्स। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑल ऑफ देम, ये सारे डिपार्टमेंट ज्वाइंटली मिलके इसकी प्लानिंग करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि अब जो ECCE है या फिर विजन है पॉलिसी, उससे संबंधित जो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा उसका आंसर मिल गया होगा। आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा, जानकारी भी अच्छी लगी होगी, और अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।